नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी, भाजपा से जनता परेशान है। बढ़ती महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से देश में नफरत के माहौल को खत्म करके प्यार का माहौल बनेगा, कहना था कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का। हमने उनसे खास बातचीत की। महिला कांग्रेस मजबूती से भाजपा को हराने के लिए काम करेगी। देश प्रदेश के लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान है, रीवा में कहा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने। उनका कहना था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश में नफरत के माहौल को खत्म करेगी, प्यार मोहब्बत का माहौल बनाएगी। आइए सुनाते हैं खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं जावेद अंसारी, हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल हैं। हालांकि राजनीति में जाना पहचाना चेहरा, भोपाल का जाना पहचाना चेहरा, पूर्व महापौर भी रही हैं, आज बात इनसे, क्या संभावनाएं हैं 23 चुनावी वर्ष? देखिए, जहां तक आप कांग्रेस की संभावनाओं की बात कर रहे हैं, संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जो वातावरण बन गया है, आज जिस तरह से मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर एक पर पहुंचा है, टैक्स सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में लग रहा है, और इसके साथ साथ हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगारी से परेशान हैं, तो ये सारे जो कारण हैं इनको हम एक बहुत ही अगर हम सरकार बदलने जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीजें नहीं कही जा सकती। लेकिन आज जो जनता है वो इन चीजों का जवाब देने के लिए तैयार है। 2023 में जब चुनाव होंगे तो जनता इसका जवाब देगी और सरकार को पलटेगी। सरकार पलटने की आप बात कर रही हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी इस समय सड़कों पर हैं, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, राहुल जी एक ऐसे उद्देश्य के साथ सड़क पर हैं जिसको आप राजनीतिक भी कह सकते हैं और सामाजिक भी कह सकते हैं। आज जिस तरह से पूरे देश में वातावरण बना है कि एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म से लड़ाया जाए, गरीब को अमीर से भयभीत किया जाए, और जिस तरह से GST से लोग परेशान हुए, आपने देखा नोटबंदी से पहले गरीब ये परेशान हुआ कि शायद बड़े अमीरों का जो पैसा है वो काला धन सामने आ जाएगा, लेकिन उससे उसके बाद जो बेरोजगारी फैली, एक और जहां व्यापारी वर्ग टैक्स से परेशान हुआ, वहीं बेरोजगारी से एक मध्यम वर्ग का तबका, और हम जिसे निचले जो हमारे गरीब भाई बहन होते हैं वो लोग सब जिस तरह से बेरोजगारी से परेशान हुए, वो सब एक ऐसे कारण बन गए हैं कि आज पूरे देश में वातावरण को जोड़ने की आवश्यकता है, लोगों में आपसी सद्भाव पैदा करने की आवश्यकता है, और लोगों में एक विश्वास जागृत करने की आवश्यकता है कि हर चीज का आधार राजनीतिक नहीं होता, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव के साथ रहना होगा ताकि देश की उन्नति हो। हम किसी को डराना नहीं चाहते। राहुल गांधी जी का कभी भी उद्देश्य ये नहीं रहता कि डराया जाए, उनका उद्देश्य ये रहता है कि सर्वधर्म संभाव से इस देश में रहा जाए, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहा जाए, और जो आम नागरिक है उसकी जो वास्तविक समस्याएं हैं वो कमरे में बैठे हुए लोग नहीं जान सकते, उन वास्तविक समस्याओं को वही अनुभव कर सकता है जो सड़क पर चलता है। आपने तमाम बातें कही, लेकिन पिछले काफी अरसे से देखा गया है मुद्दे आपके पास बहुत सारे होते हैं। मुझे अच्छे से याद है थोड़े से रेट बढ़े थे, एक रुपए बढ़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी उस जमाने में बैलगाड़ी में बैठ के संसद गए थे। आप लोग पास मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग मुद्दों को जनता के बीच नहीं ले जा पाते, क्या वजह है आखिर? नहीं, जनता के बीच तो ले जाते भी हैं, हम लोग बार बार ये बातें उठाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जिस तरीके, या हम इसको ये कह सकते हैं कि शायद हमारा बातें जो पहुंचाना है वो लोगों को हम जब हम प्रभावित करते हैं तो उसी दौरान जो विपक्षी दल है वो धर्म का ऐसा हुआ बनाते हैं, कभी चीन की बात करने लग जाएंगे, कभी पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, वो जनता को ये दिखाते हैं कि अरे तुम्हें टमाटर मिल रहा है ना, पाकिस्तान में तो 80 रुपए किलो टमाटर है। ये जनता को जो भ्रमित करने का वातावरण बनता है, जो एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म से भयभीत किया जाता है, ये जो भय का वातावरण विपक्षी दल करते हैं उसमें असल समस्याएं, असल मुद्दे कहीं दब से जाते हैं। 23 में कहीं फिर तो ऐसा नहीं होगा, मुद्दे दब जाएंगे? हमें आप लोगों का सहयोग रहेगा तो क्यों दबेंगे। ये थी हमारे साथ विभा पटेल, जिनका साफ तौर से कहना था मुद्दों की हमारे पास कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से आगे आने वाला समय हमारा है। अब देखना होगा जिस तरीके से रीवा में ये महिलाओं की टीम नजर आई, क्या कुछ आगे दिखाएगी, हमारी नजर उस पर भी बनी रहेगी। ताजा तरीन खबरों के लिए
न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।